अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। माय नेम इज़ खुरम शाह और आप देख रहे हैं खुरम व्लॉग्स ऑफिशियल टर्की। आज हमारा पांचवा दिन है और इस्तंबुल में आज हमारा दूसरा दिन है। ब्रेकफास्ट के लिए हम रेडी हैं और मैं इस टाइम मौजूद हूँ अपने होटल की लॉबी के अंदर। और बहुत ही खूबसूरत ये होटल बना हुआ है माशाल्लाह से, ब्यूटीफुल प्लेट्स वगैरह रखी हुई हैं। एग्स है और ये को चिकन का बना हुआ है, और ये भी स्मोकी है, चीज़ है, ये भी चीज़ है, राइस, चीज़, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, एग्स, टमाटो, कुकम्बर, पालक, और ये भी अंडे का एक सालन है, कुकम्बर, ये भी कोई पता ही क्या चीज़, आई डोंट नो, एप्पल्स, मशरूम्स, ऑलिव्स, काफ़ी कुछ है यार। और वो सेक्शन जो है ब्रेड्स वगैरह का, उसका जो है कॉफ़ी वगैरह मिल रही है, जूसेस वगैरह हैं। हम लोग आ गए हैं टस्कन स्क्वायर के ऊपर और यहीं से हमारी बस ने भी जाना है और बस हमारे सामने ही खड़ी हुई है। ब्यूटीफुल मॉस्क फ्रॉम हेयर, टस्कन स्क्वायर पे हैं सेट, और आज रात को इंशाल्लाह इसी को दोबारा एक्सप्लोर करेंगे। रात के टाइम में बड़ा मज़ा आता है। और ये टर्किश फूड फ्रॉम हेयर, और ये देखें मोटरसाइकिल टर्किश का, और ये है टर्किश फूड ब्रेड 15 लीरा, और ये हमारी बस। चले आ जाए सेट, वेट कर रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग फॉर प्रिंसेस आइलैंड टूर। ये तो हमारे को टस्कन स्क्वायर से लेके जा रहे हैं। कलम यहाँ पे आए हैं। जी 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 जी, टस्कन स्क्वायर से हम लोग गुजर रहे हैं और इस टाइम देखिए बिल्कुल भी रश नहीं है, लेकिन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। शॉप्स अभी ओपन नहीं हुई हैं, तकरीबन 8:30 बजे का टाइम हो रहा है सुबह का। प्रिंस आइसलैंड के लिए बोट पर जाने के लिए हम लोग पहुँच चुके हैं और हम लोग इस टाइम मौजूद हैं समंदर पे। ब्यूटीफुल यार, थोड़ी सी धूप है, सूरज हमारे साथ साथ, बट ये है कि ठंडी हवा चल रही है। हम लोग पहुँच चुके हैं समंदर पे। ये भी एक बोट है और ये भी बोट्स हैं। देखिए हमारे को कौन सी बोट मिलती है, लॉट्स ऑफ बोट्स हेयर। वाओ, और ये देखें भाई यहाँ के कवे, ये यहाँ के कवे, यस ब्लैक एंड ग्रे कवे, कितने मोटे मोटे कवे, ये देखें ना आप। ये बाइक्स, ब्यूटीफुल यार, वाओ। ठरकी 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 मैरीना के अंदर वंस अगेन हम लोग मौजूद हैं। ये कवों की आवाज़ है भाई, ये कवों की आवाज़ है, आप देख सकते हैं। हमारे वाले कहें कहें करते हैं यार, मैं करो करो कर रहे हैं। वंस अगेन मैं और सेठ जो है पाकिस्तान से हैं, और बाकी सारे हमारे साथ इंग्लैंड से, रशिया से, यही सारे हमारे साथ टूरिस्ट हैं, और हम लोग जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बोट है जो हमारे लेके जा रहे हैं। ये हम यहाँ पर पूरा ट्रिप करवाने वाले हैं प्रिंस आइसलैंड का, और बोटिंग भी होगी, और देखते हैं क्या क्या करवाते हैं हमारे यहाँ पर। ये ट्रेन का डाइनिंग एरिया शिप का, और ये है पानी वगैरह, और सिर चले गई ऊपर। नाउ आई एम कमिंग टू, वाओ, ऑल आर हियर्स। बोट पे हम लोग आ चुके हैं और हमारा भी टूर स्टार्ट होने वाला ही है, तो मैंने कहा पहले मैं आपका मैरिन पूरा दिखा दूँ। ये है डेड सी, यहाँ ये पानी थोड़ा गंदा है। दिस इज डेड सी, जिस तरह हमारा दो दरिया है पाकिस्तान के अंदर, सेम वही है। और यहाँ से ये हमारे को बोट पे लेके जाने वाले हैं। कौन कौन से आइसलैंड पे जा रहे हैं लेके, आई डोंट नो, लेकिन बहुत मज़े का ट्रिप होने वाला है हमारा ये, तो हमारे साथ बने रहिएगा आप लोग, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू। और ये देखें एक बोट भी आ रही है यहाँ पे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ बोट राइड इज स्टार्ट, और हम लोग निकल चुके हैं। ओह वाओ, ब्यूटीफुल।
जस्ट एशियंस और दो तीन इंडियंस हैं, और बाकी सारे के सारे रशियन, इंग्लैंड, रूस, जापान, चाइनीज, कोरियन, सब फिलिपिनीज और रशियंस ही काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये हम लोग ब्रिज के नीचे से गुजर रहे हैं। ब्यूटीफुल यार, ये देखें और भी मस्जिद है, 1, 2, 3 और ये 4 बड़ी वाली। वंस अगेन हम लोग ब्रिज के नीचे से गुजर रहे हैं भाई, ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा मैरिना ये बना हुआ है और ये हमारे को बोट के अंदर बोट करवा रहे हैं बोटिंग। तो ये राइड बहुत अच्छी है और व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। व्यूवर्स काइंडली शेयर माय वीडियो एंड लाइक माय वीडियो टू ब्यूटीफुल। और ये हमारे कैप्टन साहब, कैप्टन इज हियर, बोट चला रहे हैं। ब्यूटीफुल राइड का एक अपना ही मज़ा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इसकी एक ठंडी ठंडी चिल हवा है और उसके बाद समंदर का शोर, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल व्यू और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये देखें इस्तांबुल, मस्जिदों का शहर भी कह सकते हैं इसको, और बिल्डिंगों का शहर तो ये है ही है ऑलरेडी। माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। ये सामने एक और पोर्ट वगैरह आ रही है, मेरे को लग रहा है ये सामने पोर्ट है। हम लोग पहुंच चुके हैं इस्तांबुल पोर्ट के पास, ब्यूटीफुल पोर्ट। सबसे ज़्यादा मज़ा समंदर का आ रहा है माशाल्लाह से, क्या समंदर का व्यू आ रहा है माशाल्लाह से, ब्यूटीफुल व्यू। ये देखिए भाई सारे घर वगैरह बने हुए हैं, और मोस्टली इस्तांबुल के जो घर वगैरह बने हैं वो पहाड़ों के ऊपर ही बने हुए हैं चारों तरफ। शोर है पानी का, शिप से आकर टकरा रहा है, करवाते हुए वंस अगेन हम लोग जो है इस्तांबुल पोर्ट के पास से गुजर रहे हैं। ये पोर्ट का एरिया है, ये सामने क्रेन्स वगैरह लगी हुई हैं और ये सामने की तरफ इनका जो यॉट वगैरह बने हुए हैं। मैं पोर्ट के नीचे वाले हिस्से में आ गया हूँ, बिल्कुल पानी के करीब। मैंने अगर व्यूअर्स आप लोगों को भी दिखाएं, और ये देखिए बर्ड्स वगैरह बैठे हुए हैं, साइबेरियन बर्ड्स होते हैं। ओपन है और कुछ घर वगैरह खुले हैं, वो भी आप देख सकते हैं। एक घंटे का टाइम दिया इस आयरलैंड में घूमने के लिए, और वापस हमारे को बैक इसी बोट पर वापस आना है। तो चलते हैं और घूम के आते हैं। सीट आ जाए, आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, आ जाइए। तो फर्स्ट आयरलैंड के ऊपर हम लोग पहुँच चुके हैं सीट, और हमारी शिप का क्या नाम है? डिलक्स, बिल्कुल जी डिलक्स ही है, डिलक्स बोट। और ये सारी बोट यहाँ खड़ी हुई हैं, और सबसे अच्छी चीज़ें ये पड़िया पड़ा हुआ है टर्क गजबेटो, यानी डस्टबिन यहाँ पड़ा हुआ है, यही यहाँ से हमने आ रहे हैं टर्किश रेस्टोरेंट से। और ये हम पहले आयरलैंड के ऊपर उतर चुके हैं, और यहाँ से हम स्टेट जा रहे हैं आयरलैंड इंजॉय करने के लिए, फर्स्ट टाइम देखेंगे भाई
यार मुझे ये लग रहा है कि हम लोग टर्की से जब पाकिस्तान जाएंगे ना तो हम लोग अबशी बने हुए होंगे, हमारे रंग जल गए होंगे क्योंकि आयरलैंड पे घुमा रहे हैं और उसके ऊपर हमारे रंग जो है ना बिल्कुल ब्लैक हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। एंटालिया प्रमुख दोनों जगह पे गर्मी बहुत, लेकिन यहाँ पे वेदर कुछ बेहतर है। यस 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 बिल्कुल 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 1985 नजीफ हनीफी अल्टर, और ये भी एक रेस्टोरेंट बने हुए हैं यहाँ पे काफ़ी, और इसी तरह हमने चलते रहना है घूमते रहना है। ये फर्स्ट टाइम हम लोग आए हैं एक मस्जिद के अंदर जहाँ पे सब टूरिस्ट को लेके आए हुए, ये 1964 में बनी थी मस्जिद। माशाल्लाह से अंदर से बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये, छोटी सी मस्जिद है बट बहुत खूबसूरत है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यार, माशाल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह वाह। कारपेट भी बहुत खूबसूरत है, और ये मेंबर सेठ परेशान हो गई है, सेठ को आ रही है मछली की स्मेल, ये मछली की स्मेल नहीं है, ये लॉबस्टर वगैरह जो है ना उस चीज़ की स्मेल है, असल में सी साइड के ऊपर है तो इसलिए हमारे को ज़्यादा स्मेल ज़्यादा आ रही है। वैसे भी ये जो रेस्टोरेंट है ये फ़िश रेस्टोरेंट ही है, और यहाँ पे फ़िश मिल भी रही है, बिल्कुल फ्रेश फ़िश मिल रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की फ़िश। हाँ ये देखिए भाई, यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश फ़िश मिल रही है, और यहाँ के रेट्स वगैरह भी चेक करते हैं फ़िश के क्या रेट हैं। लीवर सपूरा ये मिल रही है 250 लीरा जी। नमस्ते नमस्ते, हाउ आर यू। 300 लीरा में ये मिल रही है हमारे को सतरेगा, और ये मिल रही है किलो 700 लीरा, जिससे पता कौन सी मछली अजीब सी मछली है ये। और ये देखें भाई ये मिल रहा है टूना फिश 150 लीरा, दिस इज़ ऑल आर टूना, सब टूना फिश है मोस्टली। 200 एम एल पानी देती आम अजीब गरीब है इनके, और ये यहाँ भी ये फिश है बहुत ज़्यादा वाह। और ये देखेंगे वाह यार कितना खूबसूरत बना हुआ है ये रेस्टोरेंट्स बाहर की तरफ, और ये देखें भाई डॉग्स हमारे साथ साथ चल रहे हैं, ये स्ट्रीट डॉग्स हैं कौन से डॉग्स हैं पता नहीं। वाह ये देखें वो बिल्ली डर के ऊपर चढ़ गई है। ब्यूटीफुल यार सारे के सारे फूड स्टेट्स ही बनी हुई हैं। क्लाइम करके ऊपर आए, सांस भी ऊपर नीचे हो रही है, और चर्च हमें नहीं मिला यहाँ पे। ब्यूटीफुल ट्री, देयर इज नो चर्च हियर। अच्छा अब कह रहा नीचे था। बस नीचे हमारा शिप ही है, वहीं चलते हैं हम लोग। आ जाओ भाई आ जाए आ जाए आ जाए, नीचे हमारा शिप ही है वहीं चलते हैं हम लोग। आयरलैंड का फर्स्ट ट्रिप हमारा पूरा हुआ, हमारे को चर्च मिला नहीं है, नो प्रॉब्लम। मस्जिद हमने बहुत अच्छी देखी है, और आयरलैंड घूमने का मज़ा आया। फर्स्ट या सेकेंड आयरलैंड था ये, फर्स्ट हमारा मिस हो गया था, और ये हमारी बोट है, हम अभी बोट में जाएंगे, और बोट में हमारा लंच यहीं पे ही है, तो यहीं अपना लंच करते हैं। हाँ फिर लंच के बाद सुकून मिला, हवा आई है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी, यहाँ पर हम लोगों ने किया लंच अपना, वापस हमने बाहर आ गए। और ये देखें भाई दोबारा आयरलैंड आ गए, 1 2 3 4 ये सारे आयरलैंड, और हम लोग जा रहे हैं सामने वाले आयरलैंड की तरफ। सेठ खाना अच्छा था, मज़ा आया, चलो चलते हैं अब आगे। ये नेदर आयरलैंड में हम लोग पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे लोग फिशिंग भी कर रहे हैं। ये देखिए भाई ये फिशिंग हो रही है यहाँ पे, और ये एक और दूसरा आयरलैंड यहाँ पे हमें लेके आए, और यहाँ पे हमारे ये कह रहे हैं कि 2 घंटे यहीं पे रहना है, 2 घंटे यहाँ गुजारना बहुत मुश्किल है, बट गुजारने पड़ेंगे। बोट पर बैठेंगे, शिकार करें, इनको देखते रहेंगे, 2 घंटे से ही पास होंगे। ये देखिए भाई फिश वगैरह पकड़ी हुई इन्होंने, देख रहे भाई लाइव फिश भी दिखा दिए मैंने आप लोगों को, ये फिश पकड़ रहे हैं लाइव। थैंक यू, लाइव फिशेस पकड़ी जा रही हैं यहाँ पे, छोटी छोटी मछलियाँ लग रही हैं, पोर्ट पे खड़े हो गए ये लोग पकड़ रहे हैं। और आयरलैंड में हम लोग मौजूद हैं इस टाइम, ये हमारी शिप से डिलैक्स, 2 घंटे तक हम लोगों ने इसी आयरलैंड पे रहना है, इसी आयरलैंड पे गुजारने, और 2 घंटे गुजारेंगे यहाँ पे। कैफेस वगैरह बने हुए छोटे छोटे से बने हुए रेस्टोरेंट्स कैफे, खाना भी नहीं है क्यों, पोर्ट ग्रैंड की तरह। हाँ पोर्ट ग्रैंड की तरह सेम सेम सेम,
बस पॉट ग्राइंड थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है, ये थोड़ा जल्दी ख़त्म नहीं होता, लेकिन ये कि बहुत अच्छा, बहुत नाइस, बहुत ही साफ सुथरा ये बना है पॉट के ऊपर ही। स्मेल नहीं है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि स्मेल नहीं है। फ्रूट्स ये बिक रहे हैं, इसके अलावा ये भी रेस्टोरेंट्स हैं। कसम टर्की, इस आयरलैंड में हम लोग आगे उतरे हैं, ये फ्रूट्स यहाँ बिक रहा है। 100 लीरा का एक गिलास है ये। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मॉस्क वंस अगेन आ गई है, कारफोर सुपर के बराबर में बहुत खूबसूरत एक मस्जिद एक और आई है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये है कैट्स का शहर, ये देखें यहाँ भी एक बिल्ली है, इधर भी है, और ये एक बिल्ली यहाँ भी बैठी हुई है। कैट्स का शहर है ना, आयरलैंड पर आए हैं। और ये फिशेस कौन से फिश है, सालमन है, हीरा है, हीरा तो नहीं है, दलिया है, और लॉबस्टर्स भी हैं यहाँ पर, जिंदा लॉबस्टर है ये देखें, जिंदा लॉबस्टर जो हिल भी रहे हैं अभी। और ये फिशेस हैं यहाँ पे, इसमें टूना फिश भी है और ये भी टूना है, दो नंबर झींगे भी हैं, लॉट्स ऑफ मछलियाँ यहाँ पर भाई। और सीधा चली गई आगे, हम भी आगे चलते हैं अभी। बाबा रेस्टोरेंट, लॉट्स ऑफ रेस्टोरेंट है यहाँ पे आयरलैंड के ऊपर, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। वाह, ये हमारे आगे साथी कुछ मिल्टो, देखिए इस तरह भी रेस्टोरेंट्स हैं, इस तरह भी रेस्टोरेंट्स हैं, पूरे आयरलैंड मुझे लगता है रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट्स हैं पूरे आयरलैंड में। ये देखिए वंस अगेन फिश आ गई, ये तमाम रेस्टोरेंट्स के बाहर इस तरह फिश लगी हुई हैं लाइव, आप लें और कटवाएं और खाएं। आयरलैंड के ऊपर ये लिखा हुआ है यरतसुला जिहानदसुला। वाह, मुझे लग रहा था जैसे पश्तो जबान है कोई, लेकिन बहुत खूबसूरत घर बने हुए हैं यहाँ पे और बहुत खूबसूरत ही रेस्टोरेंट बने हुए हैं यहाँ पे, और लॉट्स ऑफ फेरी स्पॉट के ऊपर ही खड़ी हुई हैं। तो आयरलैंड में घूमने का मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन हम थक बहुत ज़्यादा गए हैं और अब बादल भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं आसमान के ऊपर और मौसम हो गया अच्छा। वाओ, आयरलैंड के सबसे फेमस पॉइंट पर हम लोग आए हुए हैं, उसको कहते हैं क्लॉक टावर, जैसे हमारे सियालकोट में घंटा घर है उस तरह ये यहाँ का घंटा घर है, क्लॉक टावर। सेट चुरोस खाना है आपने, मैं आपको चुरोस लेकर देता हूँ, मैं लेके आता हूँ आपके लिए चुरोस। सेट कैसा लगा चुरोस? अच्छा, आप कह रहे हैं शहद में डूबा हुआ है? हाँ, शहद के अंदर डूबा हुआ है, मेरे सामने उसने शहद के अंदर डूबा हुआ है। अच्छा जी 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 जी, ट्राई करें। वाह, थोड़ा सा मीठा है लेकिन शहद भी है और सामने शुगर भी है, वेरी टेस्टी, मज़ा आ गया। ऐसा चुरोस तो वहाँ भी नहीं मिलता है ना? हाँ, सॉल्टेड वाला मिलता है। और ये हमारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स आइसक्रीम लेते हुए, ये आइसक्रीम ले रहे थे, फिर हम लोग सीधा यहाँ से जाएंगे, कॉफ़ी पी आएंगे और सीधा निकलेंगे वापस अपनी फेरी की तरफ। प्रिंसेस आइसलैंड वाला टूर हमारा हुआ फिनिश, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। दो आइसलैंड के ऊपर हमारे को ये लेके आए थे और दोनों के ऊपर घूम घूम के थक गए हम लोग, लेकिन वाकई लाइफ बहुत अमेजिंग ट्रिप था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, नोटिफिक करता प्लस द बेल आइकन, ताकि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। Beautiful, yeah. मज़ा आ गया।